असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। 1993 में एक फिल्म आई थी, नाम था बाजीगर। इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिहार की राजनीति भी कुछ इसी तरह दिखाई दे रही है। जिस नौजवान नेता को सियासी नौसिखिया माना जा रहा था, वो अचानक बिहार की सियासी बाजी पलटता दिखाई दे रहा है। किसी का होता है, लालू जी का 16 रैली हुआ, मेरा भी 16 हाईएस्ट है, अभी तक लालू जी का रिकॉर्ड नहीं टूटा, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है ट्रैक्टर बन चुका है। ये कहानी है संघर्ष का समंदर लांघ कर मगध की सत्ता को साधने वाले लालू के सबसे छोटे लाल तेजस्वी यादव की। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, तो हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोग कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के साथ साथ कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार आप लोगों को देने का काम करेंगे। ये लालू के लालटेन की बुझती हुई लौ को अचानक लपट में बदल देने का करिश्मा करने वाले तेजस्वी हैं। आखिर पिछले 7 सालों में क्या हुआ जो बिहार की सियासत में शून्य पर पहुंच चुकी लालू की पार्टी को तेजस्वी ने शिखर पर पहुंचा दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव से राजनीति में कदम रखने वाले तेजस्वी पहली बार हाजीपुर के राघोपुर से विधायक चुने गए। आरजेडी उस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तेजस्वी डिप्टी सीएम बने और फिर उदय हुआ दूसरी पीढ़ी के सबसे सफल नेता की। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 80 सीटों पर जीती, बीजेपी 53, जेडीयू 71, कांग्रेस 27, एलजेपी 2 और सीपीआई के खाते में 3 सीटें गईं। इस चुनाव में आरजेडी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया और सबसे बड़ी पार्टी बनी। जब तेजस्वी सियासत में आए तो कुछ भी नहीं था उनके पास। करिश्माई पिता कभी रिम्स अस्पताल तो कभी बिरसा मुंडा कारागार में अपनी सजा काट रहे थे। पिछले कुछ सालों में मां राबड़ी देवी राजनीति की रपटीली राहों में अपनी सियासी भूमिका सीमित कर चुकी हैं। बड़े भाई तेज प्रताप के असफल वैवाहिक जीवन ने कुनबे के कलह को सड़क पर ला दिया और इन सबसे निराश लालू के सबसे भरोसेमंद समर्थक और सिपहसालार पार्टी और उनके छोटे बेटे का साथ छोड़ते चले गए। विचलित कर देने वाले इन तमाम हालातों के बावजूद तेजस्वी बिहार की सियासी बाजी पलटने के कितने करीब पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर विरोधियों की हवा निकाल दी। जब चुनाव के नतीजे आए तो आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटें मिली, एनडीए 125 और अन्य के खाते में 8 सीटें गई। इस चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, अकेले दम पर 75 सीटें हासिल की, लेकिन गठबंधन को बहुमत न मिलने के कारण तेजस्वी सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन तेजस्वी के लिए ये संघर्ष का समय था। कभी क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के की बरसात करने वाले लालू के लाल के लिए अब 2020 का समय था। बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में सेंध लगाकर उनके विधायकों को तोड़ दिया। बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन तेजस्वी ने यहां भी छक्का जड़ दिया। ओवैसी की पार्टी को तोड़ दिया, उनके 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया। इसके साथ ही एक बार फिर से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन गई। अब बिहार में आरजेडी के पास 79, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट पार्टियों के पास 16, एआईएमआईएम के पास 1 और अन्य के खाते में 1 सीटें हैं। लालू को किंग मेकर भी कहा जाता है, तेजस्वी भी अब किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे। बीजेपी अब लगभग सत्ता से बेदखल हो गई है, आरजेडी की किरण का अब उदय हो रहा है। इससे पहले भी 2015 में हुआ था, लेकिन तब बैशाखी लालू थे, इस बार पूरी पिक्चर तेजस्वी के इर्द गिर्द घूम रही है।